गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री बताऊंगा, नेचर ऑफ मैटर। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैटर। मैटर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर द सब्सटेंस विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसमें वेट होता है और स्पेस लेते हैं उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये है, इसमें वेट भी है, ये मार्कर में वेट है और स्पेस भी लेता है अगर कहीं लग देते हैं तो। मैटर द सब्सटेंस विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट नेचर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत ही छोटे होते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। हम सिक्स टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सिक्स और इन सब में 5 ml ईच फाइव एम एल वाटर ले लेते हैं और इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल KMnO4 कि कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं और उसको डिजॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण इसका कलर पूरा पिंक हो जाता है, पिंक कलर का हो गया। यानी कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है वो पूरी तरह से उसके पार्टिकल डिजॉल्व हो गए, वो मैटर है। डिजॉल्व होने के बाद इसका 1 ml हम निकाल करके दूसरे, इसमें 4 ml वाटर रहता है, 4 ml वाटर प्लस 1 ml ये निकाल करके इसमें हम डाल देते हैं। तो इस तरह से सभी टेस्ट ट्यूब में करते हैं। फिर इसमें जो सेकेंड ट्यूब है इसमें इसका कलर जो है थोड़ा फेडर हो जाएगा इसकी वजह से, और फिर दूसरे में 1 ml निकाल कर डाल देते हैं, बाकी वाटर रहता है। 4 ml वाटर और 1 ml फिर टेस्ट ट्यूब का, 4 ml वाटर टेस्ट ट्यूब का। तो धीरे धीरे देखते हैं कि जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है इसका कलर फेडर एंड फेडर होता जाता है, फेडर एंड फेडर। फेडर मीन्स उसका कलर हल्का हो जाता है, फिर भी पार्टिकल्स उसमें दिखाई देते हैं। यानी कि 1-2 क्रिस्टल जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था वो लास्ट टेस्ट ट्यूब में भी उसके पार्टिकल्स होते हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, कोई भी जैसे रबर है, चाक है, वुड है, आयरन है, इसको हम कटिंग करें या हैमरिंग करें तो सभी में समान फोर्स यूज नहीं होगा। किसी में अधिक फोर्स लगेगा, किसी में ब्रेक करने के लिए किसी में कम फोर्स लगेगा। जैसे रबर है, रबर चाक की अपेक्षा आसानी से टूट जाएगा, या चाक है, चाक जो है वुड की अपेक्षा आसानी से टूट जाता है। आयरन को ब्रेक करने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर क्यों कंबाइन है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके सभी में, चाहे वह आयरन हो, चाहे चाक के पार्टिकल्स हो, सभी में मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट किए रहते हैं, तभी तो ब्रेक करने में फोर्स लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। जैसे अगर हम इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती अगर
रूम के एक कार्नर में जला देते हैं तो उसकी सुगंध दूसरे कार्नर तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यानी कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, जैसे एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में वाटर ले लेते हैं और प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, स्मॉल पार्टिकल्स पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन को हम इस वाटर में डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पॉलन ग्रेन वाटर में अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो ये मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जिग जैक मोशन करते हैं इस तरह से, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे कभी इधर, और इस तरह से मोशन करते हैं यानी कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसका पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउनियन मोशन का, और इस तरह से पार्टिकल्स के जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव कर रहे हैं यानी कि, तो नेचर ऑफ मैटर थ्री हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अटैक टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर अटैक करते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।